तेरी 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 करता है। कितनी तेज है भाई। वो देखो कर दो रखना है ना, तो दोस्तों ने सजेस्ट करना है भाई। दोस्त बताते ही नहीं है। नहीं नहीं दोस्त भाई, इस बार देखिएगा दोस्तों। आप रख के गया हूँ, सारी बकरियां यहाँ पे आ गई हैं और हमारा घास। वो देख नीचे उतर जा यार, तू नीचे उतर जा यार। इसकी हरकतें मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पहले मैं नीचे उतार दूँ। वो देखो उधर चली गई है। ओए क्या भाई साहब, ये देखो यार छत हमारी तोड़ दी यार इन बकरों ने। ये देखें, ये चेक करें आप, ये हर वक्त यहाँ पे फिरती रहती है छत के ऊपर, और छत इन्होंने आके भाई तोड़ दी हमारी। इसको मैं चल चलो तुम। और भाई साहब जो बकरी भाई ऊपर चढ़ी थी ना, वो भाई उस साइड ही चली गई नीचे उतर के। यार कमाल कर दिया यार वैसे इसने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आपको पता है कल भाई हमने रॉ पैरेट जो है वो पकड़ा था दोस्तों। और भाई आपको मैं बताता हूँ, कल शाम को भाई हमने उसके पर जो है वो काटे दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखिए भाई मेरे हाथ के ऊपर भाई उसने बहुत ज्यादा अटैक किया दोस्तों, बड़ी मुश्किल के साथ भाई, और मैंने उसके पर जो है वो काटे दोस्तों, क्योंकि यार हमें ना वो हैंड टेम करना है। तो अभी दोस्तों हम बिगोज में चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अब दोस्तों वो किस तरह लग रहा है और कितना यहाँ पे खुश है वो। है? भाई साहब मुझे लगता है भाई गंजी मुर्गी यहाँ पे बैठ के अंडा दे रही है, और शायद हो सकता है इसने कहीं कूड़ा तो नहीं होगी। तू अंडा दिया हुआ है यार इसने, वो देखें इसके नीचे अंडा दोस्तों रखा हुआ है, वो बिल्कुल नीचे देखें। अब हो सकता है यार ये कल वाला अंडा हो, क्योंकि कल हमने नहीं देखा था। अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता, और इन दोस्तों मैं इसके आगे दोबारा रख देता हूँ। ये इधर, ये वही, हाँ, ताकि अंडा दोस्तों नीचे ना गिर सके। पहले भी कई बार ऐसा हुआ, अंडा ये ऊपर बैठ के देती थी और अंडा वहां से गिर के नीचे आ जाता था यहाँ पे। ये भाई बस यहाँ पे जगह सेट कर रहे हैं, एक महीना हो गया कोई भी अंडा नहीं दे रही यार। ऐसी जगह बनाते हैं और फिर ये भाग के चले जाते हैं दूसरे दिन। बस इस बार तुमने अंडा देखे उन, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ ठीक है, वरना तुम्हें मैं बाहर छोड़ दूंगा। जो हमारे लोकल कबूतर फिर है ना उनके पास छोड़ दूंगा तुम्हें मैं फिर। और मैं दिखाता हूँ दोस्तों, कब्जा माफिया ग्रुप ने दोस्तों कब्जा अपना पूरा यहाँ पे जमा लिया भाई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखे भाई इन्होंने दोस्तों अब अपनी परमानेंट यहाँ पे जगह बना दिया है। रैबिट को दोस्तों अब बिल्कुल भी नहीं अंदर आने दे रहे, वो देखे उन्होंने वहाँ पे जगह बनाई हुई है, लेकिन देख लेते हैं कोई अंडा नहीं दिया अभी तक इसने। अभी तो सही है, इसने अभी जगह जो सेट कर ली है, तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद भाई ये अंडे देना यहाँ पे शुरू कर देगा। और मैं आपको बताता हूँ भाई रैबिट ने आखिर कहाँ जगह अपनी बना ली है। तो ये देखे भाई रैबिट ने अपनी इधर जगह बना ली है, वो देखो भाई बड़ी खुदाई की है यार इन्होंने भी। ये देखे भाई कितना बड़ा होल इन्होंने बना लिया है। चलो यार कोई नहीं, अगर रैबिट को भी अपनी जगह बनानी ही थी कहीं ना कहीं, अगर कबूतर ने उसकी जगह पे हमला कर लिया तो जाहिर उसको अपनी जगह तो बनानी थी। तो इस वजह से दोस्तों उसने ये जगह सेलेक्ट की और इधर खुदाई करके अपनी जगह बना ली। चलो कोई नहीं यार, ये भी उसके लिए अच्छी जगह है दोस्तों। जो डायमंड हमने पकड़े थे ना भाई, भाई साहब अपनी यहाँ पे जगह बना रहे हैं। ये देखिए ये बैठा हुआ एक, ये बैठे हुए भाई साहब देख लेते हो क्या पता दोस्तों, इसने अंडा वगैरह दे दिया नहीं क्या। और ये देखिए भाई इसने अंडा अभी तक नहीं दिया दोस्तों, लेकिन यार ये अपनी जगह यहाँ पे बना रहा है। वो देखे आपने अभी भी गुजर के यहाँ से गया है, वो देखो भाई वो फिर रहा है, वो फिर रहा है भाई जबरदस्त। वो अभी उनके पास चला गया भाई, लेकिन खुशी वाली बात ये है कि यार इसने अपनी जगह तो सेलेक्ट कर ली है ना, और यहाँ पे ही वो अंडे देगा। तो अभी मैं दोस्तों ऐसा कर लेता हूँ, घास जो है वो देखो उसमें डाल देता हूँ, ऐसा ना भाई दोबारा बकरियाँ आ जाए और सारा घास जब तैस नैस इन्होंने पहले ही कर दिया, ऐसा ना सारा घास ही वो यहाँ से खा जाए। दोस्तों जैसे ही मैं घास लेके आया हूँ ना भाई, मुर्गी वो देखे भाई गंजी मुर्गी आ रही है। ये देखे घास के पास भाई सब आ जाते हैं और बड़े शौक से उनको खाते हैं। मैं इधर डाल देता हूँ, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, हाँ आ जाओ ज़बरदस्त आ जा रैबिट, तू भी आ जा यार। ये इधर डाल दिया मैंने घास इनका, और बाकी दोस्तों हमारा घास जो है बच चुका है वो हम अपने बर्ड्स में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ आपको पता है हमारा रैबिट फिर रहे हैं भाई। रैबिट ओए ओए क्यूट से रैबिट और उसके और उनके क्यूट से बच्चे वहीं पर फिर रहे हैं। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रैबिट किधर हो बच्चे तुम्हारे? वो देखो भाई ये रैबिट बड़े बाहर बैठते हैं, लेकिन बच्चों को यार अंदर ही छोड़ के आ जाते हैं, उनको दूध पिला देते हैं और वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन अभी मैं घास डाल देता हूँ, क्या पता यार हो सकता है वो भाई भूखे थे यार ये। तो ये देखे भाई किस तरह भाग के हैं। चलो कोई नहीं यार, अब घास आ चुका है इनका, और यार इनके बच्चे अगर आ जाए ना भाई उनको देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा यार, बड़ा सुकून मिल जाएगा हमें, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गया यार मैंने खुद इनके बच्चे नहीं देखे। अगर कभी दोस्तों मैं अचानक आ जाता हूँ तो एक बच्चा या दो बच्चे बाहर निकले होते हैं भाई, मैं जैसे ही इंटर होता हूँ भाई जल्दी से वो जाके इन्हों से उसके अंदर छुप जाते हैं भाई। ये तो कोई बात ना होगी ना, अगर वो बाहर आते ना भाई मज़ा आता हमें भी। चलो यार कोई नहीं, जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो इस तरह बैठ जाएंगे जैसे ये बैठे हुए हैं भाई, कोई खौफ नहीं कोई डर नहीं यार, कोई टेंशन नहीं है इनको, मजे के साथ खाते हैं ये। यार कोई और अंडे देने का है इरादा का नहीं है भाई, बस दो अंडे दे दिए वो काफी हैं। ऐसा नहीं करना सुरखा भाई, ऐसा नहीं चलेगा भाई, कोई और भाई चार पांच अंडे और तो दे दो ना भाई, फीमेल तो वो ठहरी है, मैं तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ भाई, प्लीज एक दो और अंडे दे दो भाई, मजा आ जाएगा फिर। आ जा भाई, भाई सुना क्या बना रात यार, मत पूछ। ये देख ये देखो भाई, ओ माई गॉड ये देख
हाँ भाई मेरा भी सेम ऐसे ही हाल है भाई। ये देख हाँ रात भाई राव पेरे ने बड़ा जुल्म किया दोस्तों हमारे साथ रात, उसके आपको मैंने पहले बताया उसके पार तो सामने काटे क्योंकि हमें हैंड टेम करना था, तो बड़ा आशर किया भाई हमारे साथ। इतना काटता है ना वैस भाई समझ से बाहर है, अब इसको कैसे हैंड टेम करेंगे? नहीं हैंड टेम तो करना है भाई, आज तो एम है भाई हमारा, उसको बाएं तो लाजमी निकालना है भाई जो हाँ जो भी हो हमारे साथ आ जाओ आप। ये काम मैंने नहीं करना फिर कौन करेगा? आप ये क्या बात हुई भाई उस्ताद हो ना आप। नहीं भाई यार ऐसे नहीं करना भाई, रात मैं जलील हूँ, रात भी काटा है यार, अब क्या करना। एक तो आप कहते हो भाई रात मैंने आपको बताया पहले दस्ताने के साथ पकड़ लेते हैं हम। नहीं दस्ताने से क्यों, हाँ तो हैंड टेम करना है, पर तो इसके कटे हुए हैं, पर तो कटे पर तो काट दिए रात में, बात ही नहीं मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा ख्याल क्या पारे इसके कटे हुए हैं ना, वो तो काटे हैं ना रहा। ख्याल किस चीज का, ये बात नहीं जा सकता यार, डर लग रहा है मुझे भाई, बड़ा कीमती चीज है, मैं कहता हूँ भाई मुझे भाई फिर भी यकीन नहीं आ रहा, हो सकता है फिर उठ जाए, फिर क्या करेंगे हम, अब पकड़ना है इसको, बाहर तो निकालो, अब तो डरा हुआ है। मैं ले आता हूँ एक मिनट मुझे जाने दे, मुझे ट्राई तो करने दे, ट्राई तो करना, और गुस्सा कर रहा है भाई वो देखो। नहीं 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 पकड़ना इसे, सार के ऊपर पकड़ना पड़ेगा फौरन से पकड़ना पड़ेगा। कैमरा मुझे दो, ओ तेरी 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 अपने हाथ पे बैठा, हाथ पे मैं हाथ पे मुंह खोल रहे गुस्से से, नहीं कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता, आप हाथ पे बिठाओ तो सही, कुछ नहीं होता। अच्छा मेरे हाथ पे बैठा, करता है ये हैंड टीम हो सकता है भाई, हाँ ये मुझे लगता है ये हैंड टीम है भाई पहले से, ये देखो अभी बैठ तो गया लेकिन काले चले को काटा है, अब अपना हाथ दो पता चलेगा क्या, हाँ कहाँ हाथ दो, अपना हाथ दो भाई अपने हाथ ऊपर बिठाओ ना, मैं नहीं यार ये कुछ नहीं कहता यार, कुछ नहीं कहता ये, वाकी ओहो भाई साहब ये तो भाई साहब दर्द हो गया भाई साहब, ओ ये कमाल हो गया भाई वाकी यार, ये हैंड टेम है इसका मतलब किसी का निकला है भाई, ये निकला है किसी का निकला है मुझे लगता है भाई, ये तो हैंड टेम है भाई, बिल्कुल हैंड टेम है, जबरदस्त यार, लेकिन इसने रात क्यों काटाया हमें, असल में हम डरे हुए थे यार, नई जगह पे हम डरे हुए थे, ये खुद डरा हुआ था, हाँ मेरे ख्याल में ज्यादातर जो है ना हम डरे हुए थे, हम डर डर के इसको पकड़ते थे, ये ऊपर से चीखता था जैसे अभी आपने पकड़ा है, मैं नहीं पता था कि थोड़ा बहुत आदि होगा, वाकई इस वजह से हमने भाई ऊपर से पकड़ा जिस तरह जंगली को पकड़ा जाता है भाई, इस वजह से वो हमें काट रहा था और हम उससे डर रहे थे, तो यार ये तो मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई साहब, हाँ बड़ा मजेदार है, अब बड़ी मुद्दत बाद मिली है, कैसे आवेश भाई? भाई ये तो शुक्र हो गया कि अभी हमें मिल गया भाई, लेकिन है कीमती भाई, कहीं ऐसा ना हो भाई कोई फिर आ जाए दोबारा लेने हमसे, अभी है तो किसी का पालतू भाई, जाहिर है इंतजार हमें करना पड़ेगा, कोई ना कोई आएगा जरूर इसका, लेकिन ये है तो पालतू, या हो सकता है हमारे इलाके का ना हो कहीं दूर से आके भटका हो, ये भी हो सकता है ना, हाँ तो जब दूर से आए तो भाई क्या पता किसी का है कौन है, किसी को कोई पता नहीं चलेगा, अगर हमारे इलाके का होता है भाई फिर बंदे रिक्वेस्ट कर देगा भाई हमें वापस कर दो, नाम तो दोस्तों ने सजेस्ट करना है भाई, दोस्त बताते ही नहीं है, नहीं दोस्त भाई इस बार देखेगा दोस्तों, आपको पता हमारे पास एक नेलो भी है तो उसे मिलता जुलता नाम रखना है, जिस तरह हमने नेलो का नाम खुद रखा था बहुत प्यारा नाम, उसी तरह आपने इसका भी नाम रखना है, बहुत ही प्यारा नाम रखना है वो भी, अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसा, चलो देखते हैं इंतजार करते हैं, अब इसका नाम दोस्तों ने रखना है क्या रखना है ये भी हमें दोस्त बताएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम इंतजार करेंगे भाई, रॉ पैरेट दोस्तों मैंने उठा लिया भाई, यही हाल तो पर के साथ, मैं कहता हूँ भाई इसके नाखून भी काट दो मुझे, नहीं 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 भाई ये देखो तो भाई काटे जाते नाखून नहीं काटे जाते, वो तो बात ठीक है भाई, लेकिन ये देखो ना आप कितनी तेज है भाई, वो देखो भाई साहब ऐसी हरकत ना करो भाई यार, मुझे पता है ये काट मुझे मुंह से काट रहा है भाई, तो आप इसको नीचे कर दो ना इसको, हाँ क्या होता है अभी देखे आपने भाई साहब, ये फिट है, नहीं 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 है तो फिट भाई, प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अभी, ये ना समझे भाई इसका नाम रखेंगे ना, इसको नाम से जब बुलाएंगे तो ये फिट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है,
अब नाम दोस्तों ने बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों कि हमने इसका क्या नाम रखना है। और कहना अच्छा सा नाम बताना, अच्छा सा कमाल किस्म का हो, नेलो के साथ मिलाना है इसको। नेलो क्या लगता है आपको, नेलो खुश होगी कि नहीं खुश होगी इसको देख के? और मैं तो कहता हूं भाई ये भी खुश होगा और नेलो भी खुश होगी, क्योंकि ये दोनों हैंड टेम हो गए ना, तो मतलब ये नहीं डरेंगे। आपको पता हमारे जो केज में ठहरे हुए वो नेलो को देख के परेशान हो जाते हैं कि भाई ये आपके ऊपर कैसे बैठ सकता है। एक दो दिन तक जैसे हम इसका नाम रखेंगे ना, एक दो दिन तक उसी नाम से पुकारेंगे, पुकारने के बाद नेलो के साथ इसको जाना एक ही केज में शिफ्ट कर देंगे, ये फिट रहेंगे। हाँ यार ये भी जबरदस्त आइडिया है वैसे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं, उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।